दोस्तों वीवो लिया है अपना वी सीरीज का न्यू ब्रांड फोन V20। तो दोस्तों आज ये फोन मेरे पास आ गया है और आज हम बात करने वाले हैं वीवो V20 के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे इसी से रिलेटेड सारे डिटेल्स के बारे में। मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं टेक इन मिनट्स। ऑलराइट, अमेजिंग यार, लुक एट दिस एंड दिस इज अमेजिंग। फोन पेन से भी पतला है। अमेजिंग सीरियसली यार, बहुत ज्यादा पतला फोन है एंड बहुत ज्यादा लाइट वेट फोन है। इट्स सो अमेजिंग। ये 2-3 रुपए वाला जो पेन आता है जो बहुत ही ज्यादा स्लीक है, ये वाला पेन उससे भी ज्यादा पतला है हमारा डिवाइस वीवो V20। सीरियसली दोस्तों, कंपनी की साइड से बहुत ही अमेजिंग वर्क किया गया है इसके अंदर। दोस्तों अभी तक ये फोन मेरे हाथ में नहीं आया था, लेकिन अब ये फोन मेरे हाथ में आने के बाद पता चला है सीरियसली दोस्तों वीवो ने बहुत ही अमेजिंग वर्क किया है डिजाइनिंग के ऊपर। तो दोस्तों ये फोन है मेरे पास मिडनाइट जैज कलर में। तो दोस्तों ये इसका फर्स्ट लुक आप ये देख पा रहे हो। इसका जो कलर है बहुत ही ज्यादा प्रीमियम कलर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहीं पर मैट फिनिश में ग्लास बैक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसको बूट करते हुए इसके फिजिकल ओवरव्यू और इसके सारे डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें राइट साइड में हमें यहाँ पर पावर बटन देखने को मिलता है, इसी के ऊपर यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर सेकेंडरी माइक देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पर ट्रिपल स्लॉट डेडिकेटेड सिम ट्रे देखने को मिलती है। नीचे की तरफ हमें यहाँ पर 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है। प्राइमरी माइक देखने को मिलता है, टाइप सी पोर्ट चार्जर देखने को मिलता है और इसी के अलावा स्पीकर ग्रिल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बात करें इसके पीछे की तो इसके कलर की तो बात ही कुछ अलग है। और दोस्तों यहीं पर हमें यहाँ पर वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। इसी के अलावा हमें यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है एलईडी के साथ। एंटी ग्लोज मैट फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की 7.38 mm। हाथ में बिल्कुल फिट फील हो रहा है और बिल्कुल ही ग्रिप लूज नहीं हो रही है। यहीं पर बात कर लेते हैं कुछ कैमरा डिटेल्स की। तो दोस्तों हमें यहाँ पर वीवो कैमरा में हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें स्पेशली हमें यहाँ पर ड्यूअल कैमरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ हमें यहाँ पर आई फोकस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे हमारा फोकस बिल्कुल नहीं हटने वाला है। और सबसे अमेजिंग चीज मुझे इसके अंदर लगी है नाइट मोड कैमरा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ नाइट की कुछ फोटोज। रात में भी ये कितनी फिनिश्ड फोटोज इसके अंदर क्लिक हो पा रही है, जैसे आप देख ही पा रहे होंगे ये नॉर्मल कैमरा से फोटो क्लिक की गई है। ये वाली फोटो मैंने वाइड एंगल कैमरा से ली गई है और ये वाली फोटो मैंने स्ट्रीट लाइट के अंदर ली गई है। तो क्वालिटी को तो आप डायरेक्टली मेजर कर ही पा रहे होंगे कि हमें कैमरा वीवो के अंदर कितना स्मूथ देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं कुछ आउटसाइड फोटोज की दिन के टाइम की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये मैक्रो कैमरा से हमने ये फोटो ली गई है और दोस्तों इसी के अलावा ये नॉर्मल फोटो हमने कैमरा से ली गई है। दोस्तों अब बात करते हैं दिन की कुछ फोटोज की। दोस्तों ये वाली जो वीडियो है ये रिकॉर्ड हो रही है आई फोकस कैमरा से। तो जैसे आप देख ही पा रहे होंगे, मैं फोन को पास लेके जाऊँ या फिर दूर लेके जाऊँ, यहाँ पर फोकस जो है वो बिल्कुल बना रहता है। अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी दिखाने का यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिलता है इस कैमरा से। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो DSLR वाला जो फीचर जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहीं पर देखने को मिल जाती है बहुत ही ज्यादा क्लियर सेल्फी कैमरा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत ही बढ़िया फोटो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ये मैं आउटसाइड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगी कैसे रिकॉर्डिंग होने वाली है आउटसाइड में। और इसी के अलावा हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इस फोन में हमें यहाँ पर 6.44 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे कि स्क्रीन बहुत ही ज्यादा स्मूथ और बहुत ही ज्यादा स्टनिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसकी टच भी बहुत ज्यादा स्मूथ मुझे यहाँ पर फील हो रही है और एक एक कलर हमें यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। स्क्रीन क्वालिटी तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है यहाँ पर। स्क्रीन क्वालिटी को लेकर यहाँ पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दिस इज सुपर एमोलेड। यहाँ पर हमें फुल HD एमोलेड स्क्रीन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे कि आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे कि एक एक कलर इसके अंदर बहुत ही ज्यादा रिफाइन होकर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि एक एक कलर बहुत ही ज्यादा साफ और क्लियर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की और फेस अनलॉक की। तो दोस्तों यहाँ पर इसका फेस अनलॉक है बहुत ही ज्यादा स्मूथ वर्क कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे सिंगल क्लिक में हमारे फोन के अंदर हम सीधे चले जाते हैं, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। फिंगरप्रिंट भी हमें यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल क्लिक के अंदर हमें यहाँ पर अंदर चले जाते हैं फोन के, कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। सिर्फ यहाँ पर एक टच करना पड़ता है स्क्रीन पे और हम फोन के अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्मूथ वर्क कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ और डिटेल्स की। तो दोस्तों यहाँ पर हम सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद नीचे हम अबाउट में जाएंगे तो हमें यहाँ पर देखने को पता चलता है। तो दोस्तों ये हमें यहाँ पर एंड्रॉइड 11 में हमें यहाँ पर फोन देखने को मिलता है। गूगल पिक्सल के बाद हमें यहाँ पर वीवो में देखने को मिलता है एंड्रॉइड 11। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है। प्रोसेसर की हम यहाँ पर बात करें तो हमें यहाँ पर 2.3 GHz का स्नैपड्रैगन 720G ऑक्टाकोर प्रोसेसर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है फ्रंट टच OS 11 के साथ। और इसी में हमें यहाँ पर पावर देखने को मिलती है 8 GB
रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज की। बैटरी हमें यहाँ पर 4000mAh की देखने को मिलती है, जिसमें हमें सपोर्ट मिलता है फ्लैश चार्जर 33W के साथ, जिसे आप 30 मिनट में 0-65% यहाँ पर इसकी बैटरी चार्ज कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर बहुत सारी बेहतरीन सेटिंग्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर वीवो V20 की डिटेल वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।